गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं और आज हम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पिछले साल के कुछ पेपर्स सॉल्व करेंगे। तो आज हमने शुरुआत की है बीएससी पार्ट थर्ड के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के 2018 की यूनिवर्सिटी के एग्जाम के एक पेपर पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो यूनिवर्सिटी का हमारा पेपर का जो पैटर्न है, पहले उस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। यूनिवर्सिटी का पेपर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इन थ्री पार्ट्स में डिवाइड रहता है। तो जो पार्ट फर्स्ट है हमारा, उसमें 1-1 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं और हमें उन सभी को अटेंड करना होता है। पार्ट सेकंड में, जो पार्ट बी है हमारा, उसमें टोटल 10 शॉर्ट नोट्स आते हैं। हर यूनिट से 2 शॉर्ट नोट हैं। यहाँ पर हमारे पास एक चॉइस होती है, विकल्प है हमारे पास। हर यूनिट से 2 शॉर्ट नोट पूछे जा रहे हैं, उनमें से कोई एक हमें अटेंड करना होता है। जो पार्ट सी है, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से एक क्वेश्चन होगा और उन पांच में से हमें कोई 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आज हम 2018 के एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करने की शुरुआत कर रहे हैं यहां से। तो पार्ट फर्स्ट से चलें तो 1-1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम उन पे डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था 2018 के पेपर में, वो था टाइलिन का क्या कार्य है, इस पे एक क्वेश्चन था। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, टाइलिन का क्या कार्य है, इस पे एक क्वेश्चन था। तो डिस्कस करते हैं। सवाल पूछा गया हमें किसके बारे में, टाइलिन के बारे में। तो थोड़ी सी बात, पहली चीज, टाइलिन जो है वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम या पाचक एंजाइम है, एक चीज। और जो टाइलिन है वो जो लार है, सलाइवा है, उसमें उपस्थित होता है और टाइलिन क्रिया करता है स्टार्च पे। स्टार्च जो एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड। और टाइलिन क्या करेगा, इस स्टार्च को बदल देगा माल्टोज में, और माल्टोज एक प्रकार की डाइसैकेराइड शर्करा कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च पर काम किया टाइलिन ने, उसको माल्टोज में बदला, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट के पाचन में टाइलिन उपयोगी है। और ये मुख गुहा में है, लार ग्रंथियां लार का स्त्रावण करती हैं और उस लार का एक मुख्य घटक
ये टाइलिन एंजाइम है और ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में उपयोगी होता है। तो एक संक्षिप्त सी जानकारी हमने टाइलिन के बारे में पढ़ी। इसे हम सेलिवरी एमाइलेज इस नाम से भी जानते हैं। तो अब एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे? तो हम ये लिख सकते हैं टाइलिन लार में उपस्थित एक पाचक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में अपना योगदान देता है और स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। टाइलिन को सेलिवरी एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था पार्ट ए का। तो जो जानकारी मैंने दी वो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट ए के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो पार्ट ए का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो था आर एच कारक के बारे में। आर एच कारक के बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो पहली चीज, इस कारक की खोज की गई थी किसके अंदर? रीसस वानर के अंदर। और इसी कारण इस कारक का नाम ही क्या दिया गया? रीसस फैक्टर। क्योंकि पहली बार ये कारक रीसस वानर में खोजा गया। और खोजा किसने? लैंडस्टीनर ने खोजा। यहां तक ठीक। अब ये कारक क्या है? तो लैंडस्टीनर ने क्या देखा था कि कुछ रीसस मंकी थे, उनमें ये कारक उपस्थित था और कुछ ऐसे थे जिनमें ये कारक अनुपस्थित था। बाद में इसी कारक की उपस्थिति मानव के रुधिर में खोजी गई। तो मानव में जिनके रुधिर में ये कारक है, उपस्थित है, उनको तो नाम दे दिया आरएच पॉजिटिव। जिनके रुधिर में ये कारक नहीं है उनको नाम दे दिया आरएच नेगेटिव। यहां तक तो ठीक। इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में 93% पॉपुलेशन आरएच पॉजिटिव है, केवल 7% ओनली 7% आरएच नेगेटिव है। अब हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है आरएच कारक? तो एक रोग के बारे में, एक असामान्यता के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम है इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस। कि कई बार क्या होता है कि विवाह से पूर्व आरएच कारक के बारे में कोई जानकारी नहीं ली गई। एक आरएच पुरुष का विवाह आरएच नेगेटिव महिला से हो गया। पॉजिटिव प्रभावी है, नेगेटिव अप्रभावी है। तो जो संतति हुई पहली पॉजिटिव है क्योंकि पिता पॉजिटिव है। अब माता नेगेटिव थी लेकिन उसके गर्भाशय में जो गर्भ है, भ्रूण है, वो पॉजिटिव है। लेकिन पहली बार में ज्यादा एंटीबॉडी बनी नहीं तो पहली संतति तो सामान्य हुई। लेकिन जब उस महिला ने दूसरी बार गर्भ धारण किया तो अब प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ गई, तो भ्रूण के अंदर समूहन होने लग गया और इस प्रकार ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हुई सभी भागों में और इस रोग का नाम दिया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो इसलिए विवाह से पूर्व ये आरएच फैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। तो क्या लिखेंगे एग्जाम में? आरएच कारक रीसस वानर में खोजा गया,
और इसीलिए इस कारक का नाम आरच कारक रखा गया। जिन व्यक्तियों के रुधिर में ये कारक उपस्थित हैं वो पॉजिटिव, जिनके रुधिर में ये कारक नहीं है वो नेगेटिव। इंडिया का मैंने एक आपको आंकड़ा डाटा दिया है, पॉजिटिव 93% है, नेगेटिव 7% है। और क्या महत्व है तो एक रोग के बारे में मैंने यहां डिस्कस किया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर तीन। तीसरा क्वेश्चन क्या है पेपर का, उस पर डिस्कस करेंगे। तो पेपर का जो हमारे तीसरा क्वेश्चन है वो हमें पूछा गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट मसल, हिंदी में मैं लिखूं तो कि जो हृदय पेशियां हैं उनके लक्षण क्या है। तो समझते हैं, बात ध्यान रखनी है, हमारे शरीर में मसल्स तीन प्रकार की होती हैं। पहली को हम कहते हैं रेखित, जिनका दूसरा नाम है कंकालीय पेशियां, दूसरी है अरेखित चिकनी पेशियां, अरेखित कह दो, विसरल कह दो या चिकनी पेशियां कह दो, और तीसरी होती है हमारी हार्ट मसल या जिनको हम कार्डियक मसल के नाम से जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हृदय पेशियों पर या कार्डियक मसल्स पर है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि हृदय पेशियां केवल कहां उपस्थित है, हार्ट में उपस्थित है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा है, हृदय पेशी या कार्डियक मसल। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो जो हृदय पेशियां हैं वो अपने लक्षणों में इन दोनों की मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट है। कैसे कि रेखित पेशियों में बैंड, गहरी हल्की ऐसी पट्टियां पाई जाती, इसीलिए नाम रेखित पेशियां हैं। तो रेखित पेशी के समान हृदय पेशी में भी बैंड या स्ट्रिप्स यानी जो पट्टियां हैं वो उपस्थित होगी। तो इस लक्षण में हृदय पेशी किसके समान हो गई, रेखित पेशी के। नंबर टू, अरेखित पेशियों के समान हृदय पेशियां भी कैसी है, अनैच्छिक है, मतलब इनका संकुचन शिथिलन जो है वो स्वयं ऑटोनॉमस है, यानी जिस प्रकार ये अनैच्छिक प्रकार की है वैसे ही हृदय पेशियां भी कैसी है, अनैच्छिक प्रकार की पाई जाती। दो बातें तो ये हुई। नंबर तीन, अगर हम हृदय पेशियों को देखते हैं तो उनमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, तीसरी प्रॉपर्टी है जो इन दो पेशियों में नहीं है। तो तीसरी बात, हृदय पेशियों की संरचना में इंटरकैलेटेड डिस्क ये उपस्थित होती हैं। तो तीन प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हार्ट मसल्स की। तो सवाल एग्जाम में आए तो हम क्या लिखेंगे, पहली बात तो ये कि हृदय पेशियां कहां उपस्थित है, हार्ट में उपस्थित है, और तीन प्रॉपर्टी हैं, रेखित के समान इनमें भी गहरी और हल्की पट्टियां उपस्थित हैं, अरेखित के समान ये भी अनैच्छिक प्रकार की होती हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हृदय पेशियों में इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होती हैं। तो तीन क्वेश्चन हुए, एग्जाम में इजीली अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पेपर में जो फोर्थ क्वेश्चन आया वो था यूरिन का कंपोजिशन, मूत्र के संगठन के बारे में पूछा गया था। मानव में मूत्र का संगठन क्या है, उस पर एक क्वेश्चन बना था। तो देखो, मूत्र में बेसिकली क्या होगा, पानी होना चाहिए, एक
मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है हमारा? यूरिया होना चाहिए, थोड़ी मात्रा में यूरिक अम्ल होना चाहिए, कुछ मात्रा में मूत्र में अमोनिया होंगी, मिनरल्स होंगे, तो ये सब चीज़ें मूत्र में होनी चाहिए। वाटर यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है और मिनरल्स उपस्थित होते हैं। इसके अलावा क्रिएटिन, क्रिएटिनिन इस तरह के कुछ पदार्थ भी मूत्र में पाए जाते हैं। तो लिखा जा सकता है मूत्र के संगठन के बारे में, ये घटक उसमें उपस्थित होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि हीमोग्लोबिन जो है, अभी समझेंगे क्या है, इसका श्वसन में क्या महत्व है, ये एक क्वेश्चन था। तो समझें कि हमारा जो रुधिर है, रुधिर में आरबीसी या इरिथ्रोसाइट, हिंदी में सिंपली कहें तो लाल रुधिर कणिकाएं, सही नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट, तो ये उपस्थित है। इन आरबीसी में या इरिथ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन भरा हुआ रहता है, हीमोग्लोबिन है यहां पर। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो सिंपली हम ऐसा लिखते हैं, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन वर्णक का काम करता है। अब कैसे काम करेगा, तो अगर हम हीमोग्लोबिन की संरचना देखें तो इसमें चार तो आयरन वाले हीम समूह हैं और चार ही यहां पर पीपीसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, जिसमें से दो अल्फा होती है, दो बीटा होती है, इस तरह का मामला है। अब क्या होता है, श्वसन के समय दो काम होने हैं कि पूरे शरीर में एक तो ऑक्सीजन का परिवहन किया जाए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाए, और यही हीमोग्लोबिन का काम है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना और शरीर में CO2 के परिवहन में योगदान देना। तो क्या करेगा हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन के जो ये आयरन वाले हीम समूह हैं, इसके साथ ऑक्सीजन के चार अणु जुड़ जाते हैं, जुड़े और जुड़कर बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसी रूप में ऑक्सीजन का 97% परिवहन शरीर में होता है। तो ऑक्सीजन के परिवहन में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो इस हीमोग्लोबिन का, इसी रूप में यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। एक काम तो ये हुआ, दूसरा CO2 के परिवहन में भी योगदान है, पीपीसी है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, मतलब एमिनो एसिड्स होंगे, एमिनो समूह होंगे। तो CO2 क्या करती है, पीपीसी के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एमिनो समूह के साथ मिलकर निर्माण करती है किसका, कार्ब एमिनो कंपाउंड का। तो कुछ मात्रा में CO2 का परिवहन इस रूप में होता है, वो मात्रा बहुत कम है कि इस रूप में CO2 का परिवहन मुश्किल से 15-20% CO2 का परिवहन इस रूप में होता है। तो हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है, आरबीसी या इरिथ्रोसाइट में प्रेजेंट है, इसकी संरचना में चार तो हीम समूह है आयरन युक्त और चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, ऑक्सीजन के परिवहन में हीमोग्लोबिन का योगदान है और CO2 के परिवहन में हीमोग्लोबिन का योगदान है। तो ऐसा लिखा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने पांच क्वेश्चंस डिस्कस किए, अगले पे चलते हैं। पेपर का जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो था हमारे, पूछा गया था एग्जो सोमेटिक
सिनेप्स के बारे में, समझते हैं क्या है ये। ओके, ये टॉपिक तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम से संबंधित है और यह नाम आया है सिनेप्स। तो पहली चीज तो ये समझे कि सिनेप्स किसको कहेंगे, फिर इस बात पे आएंगे। बहुत सिंपल है, सिनेप्स का मतलब कि सिनेप्स एक संबंध है दो तंत्रिकाओं के बीच का, ए फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। दो तंत्रिकाओं के बीच के संबंध को सिनेप्स कहते हैं, ये तो हम जानते हैं। अब यहां क्या है कि अब ये सिनेप्स जो बना वो बना किसके किसके बीच में, दो न्यूरॉन या दो तंत्रिकाओं के बीच में बना, ये न्यूरॉन फर्स्ट, ये न्यूरॉन सेकंड। और जो ये संबंध बना, ये जो कनेक्शन बना, उसमें पहले वाले न्यूरॉन का तो एक्सॉन था, तंत्रिका तंतु जिसे कह दें, और दूसरे वाले न्यूरॉन का सोमा, जिसको हम काय या बॉडी के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई सिनेप्स एक्सॉन पहले वाले न्यूरॉन का और सोमा यानी काय बॉडी दूसरे वाले न्यूरॉन की उसके बीच में बने, तो ऐसे सिनेप्स को कहेंगे एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। तो क्या लिख सकते हैं एग्जाम में कि ये एक प्रकार का सिनेप्स है जिसमें जो संबंध स्थापित होगा फिजियोलॉजिकल, वो पहले वाले न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे वाले न्यूरॉन के सोमा या काय के बीच में स्थापित होगा। तो ऐसे सिनेप्स को नाम दिया गया एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। तो ये एक प्रकार का सिनेप्स है। ओके, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो था, हमें पूछा गया है हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है। तो समझते हैं इसको। तो पहली चीज तो डिस्कस करें, इंसुलिन बनेगा कहां से। तो एक चीज, इंसुलिन एक हार्मोन है, तो हमारे शरीर में अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक। तो जो पैनक्रियाज हैं, अग्नाशय हैं, तो हमने ऐसा पढ़ा है कि अग्नाशय तो मिक्सोक्राइन ग्रंथि है, मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, मतलब इसका एक हिस्सा एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी है, इसका एक हिस्सा एंडोक्राइन अंतःस्रावी, दोनों हिस्से हैं इसमें। तो जो इसका एंडोक्राइन हिस्सा है उसको हम नाम देते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, हिंदी में कहें लैंगरहैंस के द्वीपिकाएं हैं ये। और वहां हमने पढ़ा था कि अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है, पीपी सेल है, इस तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो इंसुलिन कहां से बना, पहली लाइन हमारे आंसर की क्या होगी कि अग्नाशय ग्रंथि में जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं उनकी बीटा कोशिकाओं के द्वारा, कौन सी कोशिकाओं की बात कर रहे, बीटा सेल्स, तो जो बीटा कोशिकाएं हैं उनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। तो कहां से बना वो तो हो गया, अब इंसुलिन करेगा क्या। इंसुलिन का टारगेट ब्लड है, रुधिर है, तो रुधिर में जो ग्लूकोज है, इंसुलिन क्या करेगा, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और ये ग्लाइकोजन लीवर यकृत की कोशिकाओं में संचित रहता है। तो इंसुलिन ने क्या किया, ब्लड में जो ग्लूकोज था उस ग्लूकोज को बदल दिया ग्लाइकोजन में। तो ये काम है इंसुलिन का, बात याद रहेगी। अब अगर इंसुलिन आवश्यकता से कम बने, मान लो जितनी आवश्यकता है उतना नहीं बना,
तो हाइपोसिक्रीशन हुआ, अल्प स्त्रावण हुआ, तो रुधिर में जो ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन में बदलेगा नहीं। इस स्थिति को हम डायबिटीज मेलिट्स इस नाम से जानते हैं, मधुमेह इस रोग को कहा जाता है। तो इतना लिख सकते हैं, इंसुलिन कहां से बना, क्या काम किया इंसुलिन ने, अगर इसका अल्प स्त्रावण हुआ तो कौन सी स्थिति बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 8th क्वेश्चन पेपर का, जो 8वां क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो पूछा गया है एक हार्मोन की कमी से होने वाली असामान्यता के बारे में। तो उस हार्मोन का नाम है ADH, पहले तो पूरा नाम डिस्कस कर लें। ADH को एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा ADH को? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। अच्छा, इस हार्मोन का एक नाम और है, वो भी याद कर लें आप, इसे वैसोप्रेसिन इस नाम से भी जाना जाता। तो कोई भी नाम याद कर ले, ADH याद कर ले, वैसोप्रेसिन याद कर ले, पूरा नाम तो याद हो गया। अब हमें कमी पूछी है, लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ डिस्कशन करें, बना कहां से ये। तो ध्यान रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपकी पीयूष ग्रंथि, उसके दो भाग है, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है वहां पर एक संरचना है, उस संरचना का नाम है पार्स नर्वोसा। इट इज द पार्ट ऑफ, ये कहां पर है, न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उस पार्स नर्वोसा में ADH संचित रहता, बनता नहीं है, ध्यान रखना, यहां तो संचित है, और यहीं से आवश्यकता अनुसार ये क्या होता है, स्त्रावित होगा। तो बनेगा कहां, तो हमारे जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस है, जो ब्रेन है, ब्रेन पे कुछ तंत्रिकाएं हैं, तो उन न्यूरॉन के द्वारा, ऐसे दो ग्रुप है न्यूरॉन के, एक को कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, दूसरे को कहते हैं पैरा वेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियस। तो उन तंत्रिकाओं के ग्रुप के द्वारा ये हार्मोन बना, आकर पार्स नर्वोसा में इकट्ठा हुआ और वहीं से स्त्रावित हुआ। तो कहां से स्त्रावित हुआ वो बात याद रहेगी, न्यूरो हाइपोफाइसिस से। अब ये हार्मोन करेगा क्या, कि ADH दो काम करता है, फिर हम रोग का डिस्कस कर लेंगे, कि ADH जाकर अपना काम करेगा नेफ्रॉन के दुरस्थ कुंडलित नलिका वाले भाग में, DCT में काम करेगा, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल में। तो DCT में कोशिकाएं हैं जिनका नाम है प्रिंसिपल सेल, मुख्य कोशिकाएं, वो कोशिकाएं जल का पुनरावशोषण तभी करेगी जब कौन सा हार्मोन उपस्थित हो, ADH। तो देखो, जल का अवशोषण नेफ्रॉन में, समीपस्थ कुंडलित नलीमा नलिका में, हेनले के लूप की अवरोही भुजा में, प्लस DCT में हो रहा है। तो जो हेनले के लूप की अवरोही भुजा है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है, वहां पर जो जल का पुनरावशोषण हो रहा है, उस पर तो ADH का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन DCT में जो जल का पुनरावशोषण हुआ उसे हम कहते हैं विकल्पी जल अवशोषण, मतलब विकल्प है, इसको कहेंगे विकल्पी जल अवशोषण। अगर ADH आया तो जल अवशोषित होगा, DCT में नहीं आया तो मूत्र के साथ बाहर निकल जाएगा। तो ADH ने काम किया DCT में, विकल्पी जल अवशोषण को प्रभावित किया, नियंत्रित किया। तो अगर मान लो ADH नहीं बना, कम बना, कमी हो गई, तो DCT में जो जल अवशोषित होना था वो होगा नहीं, तो इस स्थिति में मूत्र का आयतन बढ़ गया, इस स्थिति को हम कहेंगे डायबिटीज इंसिपिड्स। क्या रोग है ये? डायबिटीज इंसिपिड्स, मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो एक स्थिति तो ये हुई,
अच्छा, इसके अलावा एडीएच का हमने नाम क्या डिस्कस किया, वैसोप्रेसिन। ये रुधिर वाहिनियों को संकुचित करता है, जिसके कारण बीपी में जो कमी हुई है, रक्तदाब में जो कमी हुई है वो सामान्य हो जाता है। तो एडीएच की कमी से होने वाला रोग पूछा है, तो एडीएच का काम लिख दें, और कमी से जो रोग हो रहा है उसका नाम है डायबिटीज इंसिपिड्स, जिसमें मूत्र के आयतन में वृद्धि हो जाती है, ये हम लिख सकते हैं। ये 8 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। पेपर का हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो पूछा गया है, एक प्रक्रिया का, एक उपापचय का नाम दिया है, और उस उपापचय का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, ये लीवर में होने वाली एक प्रक्रिया, पहली बात तो ये उपापचयी क्रिया लीवर सेल यानी हिपेटोसाइट में होती है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि लीवर में होने वाली एक घटना की, एक उपापचयी प्रक्रिया की हम बात कर, किसका उपापचय, उपापचय है ये आपके कार्बोहाइड्रेट का उपापचय है। देखो नाम से क्लियर है, बनाना हमें ग्लूकोज है, क्या बनाना है कि इस उपापचय में ग्लूकोज का क्या करवाना है, निर्माण करवाना है। बात है, देखो कैसे होगा कि मान लो रुधिर में ग्लूकोज है और कोशिकाओं को वो ग्लूकोज रुधिर से ही परिवहन के द्वारा प्राप्त होता है, कोशिकाओं ने ग्लूकोज का उपयोग किया तो रुधिर में ग्लूकोज का स्तर नीचे चला गया, कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यकृत की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन है, वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल गया, इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज बना दे, सिंपल है इतना। तो अगर वो ग्लाइकोजन खत्म हो जाए और हम भोजन नहीं ले रहे हैं बाहर से, इसका मतलब रुधिर में ग्लूकोज का स्तर कम, लेकिन कोशिकाओं को तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का विघटन करना पड़ेगा, ग्लूकोज है नहीं। अच्छा, ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया जिससे हम ग्लूकोज बना सकते थे, तो ऐसी स्थिति में शरीर क्या करेगा कि यकृत की कोशिकाओं में ये वाला उपापचय होगा कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा, तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या, प्रोटीन, वसा। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई कार्बनिक पदार्थ है तो क्या है, वसा, प्रोटीन, इनका विखंडन हो और क्या बने, ग्लूकोज। तो क्या हुआ, ग्लूकोज का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी दूसरे कार्बनिक पदार्थ, मतलब वसा से करा लें, प्रोटीन से निर्माण करवा दें, तो इस उपापचय को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। जनरली ऐसा कब होता है, जब हम फास्टिंग करते हैं, भूखे रहते हैं लंबे समय तक, तो फास्टिंग यानी उपवास के दौरान इस तरह के परिवर्तन होते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस यकृत कोशिकाओं में होने वाला एक कार्बोहाइड्रेट का उपापचय है, जिसमें ग्लूकोज का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी अन्य कार्बनिक पदार्थ से करवाया जाता है। ओके, अब लास्ट पार्ट, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10th है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया है कि हमारी प्रत्येक कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पूछा गया इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीनों के बारे में। देखो अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रकार के प्रोटीन हैं, एक तो होते ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। देखो ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब क्या, कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाई लेयर है, सिंपली ड्रॉ कर रहा हूं मैं एक, ये मान लो लिपिड की बाई लेयर है, अगर कोई प्रोटीन यहां से लेकर यहां तक, मतलब प्लाज्मा झिल्ली की बाहरी सतह से लेकर आंतरिक सतह तक पूर्ण रूप से व्यवस्थित है, यानी पूरी लिपिड बाई लेयर की एक सतह से लेकर दूसरी सतह तक है, तो ऐसे प्रोटीन को तो कहते हैं ट्रांस
मेम्ब्रेन प्रोटीन। लेकिन अगर वो केवल यहीं पर हो ऊपरी सतह पर या केवल निचली सतह पर हो तो उसे परिधीय प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का नाम दिया गया है। अब ये प्रोटीन कई प्रकार के, जैसे अगर हम कोशिका झिल्ली के परिवहन को देखें तो कुछ कैरियर प्रोटीन है, कुछ चैनल प्रोटीन है। तो ये कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, एंटीजन, ये सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई प्रकार के प्रोटीन है, तो नाम लिख दें, कैरियर प्रोटीन हो सकते हैं, चैनल प्रोटीन, ये दोनों तो वाहक प्रोटीन है, इनकी सहायता से पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है, झिल्ली के अंदर और बाहर अणु आ जा सकते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ संरचनात्मक प्रोटीन हो सकते हैं जो इसकी संरचना का निर्माण करें। इसके अलावा कुछ एंटीजन है, वो भी प्रोटीन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में, वो भी प्रोटीन का काम कर सकते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली में कई प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया 2018 के पेपर के पार्ट फर्स्ट को, तो 10 क्वेश्चंस थे। एग्जाम में आपको कोई विकल्प नहीं मिलता है, आपको ये सभी क्वेश्चन करने होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी के बारे में। तो मैंने कहा था पार्ट बी में हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई एक अटेंड करना है। तो टोटली आपको 10 शॉर्ट नोट मिलेंगे और आपको उनमें से 5 शॉर्ट नोट, विकल्प इस प्रकार है कि पहली यूनिट के, जैसे 2 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं इस पेपर में, पहली यूनिट से जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से पहला क्वेश्चन तो था, आपको पूछा गया था शॉर्ट नोट देना था आपको वसा के पाचन के बारे में, और अथवा में जो दूसरा क्वेश्चन था आपके लिए वो था ब्लड क्लॉटिंग, रक्त स्कंदन के बारे में। तो आपके पास विकल्प ये है कि ये आंतरिक विकल्प इसी यूनिट के लिए, मतलब कोई 5 नहीं करने हैं आपको, इन 2 में से कोई एक करना है। तो डिस्कस करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है रक्त स्कंदन की क्रिया के बारे में, आप उसे देख सकते हैं और एक शॉर्ट नोट बढ़िया तरीके से इस पे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा वसा के पाचन के बारे में, और सेकेंड यूनिट से जो आगे के शॉर्ट नोट है वो कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अब एक शॉर्ट नोट में डिस्कस कर रहा हूं वसा के पाचन में। तो ध्यान रखना पहली बात, अब इस टॉपिक में शॉर्ट नोट है तो ज्यादा डिटेल तो हमें लिखनी नहीं है। तो सबसे पहली बात कि जब पाचन होगा वसा का तो पाचन के अंतिम उत्पाद के रूप में हमें एक तो मिलेगा वसा अम्ल प्लस दूसरा हमें मिलेगा ग्लिसरॉल। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है कि जब भी वसा के पाचन की क्रिया होगी तो वसा के पाचन से अंतिम उत्पाद के रूप में एक तो बनना चाहिए वसा अम्ल और दूसरा बनना चाहिए ग्लिसरॉल। एक चीज तो ये हुई। अब नंबर 2, वो एंजाइम कौन से हैं जो वसा के पाचन की क्रिया में सहायता करेंगे? तो ऐसा ही एक एंजाइम है हमारे जो वसा के पाचन में काम आता है, उस एंजाइम का नाम है लाइपेज। बात ठीक? तो लाइपेज वो एंजाइम है जो वसा के पाचन की क्रिया में सम्मिलित होता है। इसके अलावा एक दूसरा एंजाइम है इरेप्सिन। तो लाइपेज और इरेप्सिन ऐसे 2 एंजाइम हैं जो वसा के पाचन की क्रिया में सम्मिलित होते हैं। तो 2 चीजें हुई। अब आहार नाल तो बहुत बड़ी है, मुख गुहा से शुरू हुए, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। अब वसा का पाचन कहां कहां होगा इस पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए जो लाइपेज है,
अगर हम बात करते हैं मुख गुहा से, तो मुख गुहा में ऐसा कोई एंजाइम है नहीं जो मदद करता हो वसा के पाचन में। तो मुख गुहा में, बकल कैविटी में, किसी भी प्रकार का वसा का कोई पाचन नहीं होता। यही स्थिति ग्रसिका के लिए है। तो भोजन एंटर हो गया आमाशय के अंदर, और हमने पढ़ा था कि जब भोजन आमाशय में आता है, बोलस कहलाता, निवाला कह दे उसको, उसके साथ लार है। अब आमाशय में आने के बाद, तो आमाशय में एक एंजाइम है जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। देखो मैंने इसको, एंजाइम तो लाइपेज ही है, वसा का पाचन करेगा। गैस्ट्रिक इसलिए कहा क्योंकि ये गैस्ट्रिक जूस आमाशय में जो जठर रस है उसमें है, आमाशय में है, इसलिए इसको अलग दिखाने के लिए हमने आगे गैस्ट्रिक शब्द जोड़ दिया। तो गैस्ट्रिक लाइपेज वसा के पाचन से संबंधित है, आमाशय में उपस्थित एक एंजाइम है। यहां तक ठीक। लेकिन एंजाइम होते हुए भी हम ऐसा लिखेंगे कि आमाशय में या स्टमक में वसा का या तो कोई पाचन नहीं होता, या जैसा प्रभावी पाचन होना चाहिए वैसा प्रभावी पाचन वसा का आमाशय में नहीं हो पाता। यहां तक ठीक। तो क्यों नहीं हो पाता, क्या रीजन है, वो अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद भोजन जो आमाशय में बोलस था, अब ग्रहणी, छोटी आंत का पहला भाग है, यू आकृति की एक नलिका है, वहां एंटर करेगा, इसे हम काइम कहते हैं। क्या कहेंगे? अब काइम एंटर हुआ ग्रहणी में, तो ग्रहणी में ड्यूडीनम में वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, यानी पूरा पाचन ग्रहणी ड्यूडीनम में ही होना है। तो आमाशय में एंजाइम होते हुए पाचन नहीं हुआ, ग्रहणी में ही हुआ। तो वसा के पाचन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट घटना आती है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है इमल्सीफिकेशन। हिंदी में इसे हम पायसीकरण कहते हैं। तो वो पायसीकरण क्या है, कौन पायसीकरण में मदद करेंगे, और पायसीकरण के बाद वसा का बेहतर पाचन हो पाएगा, तो ऐसा क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बात ध्यान रखनी है, बात कर रहे हैं हम यकृत की, लीवर की। यकृत की कोशिकाओं ने निर्माण किया है बाइल जूस का, हिंदी में इसे हम पित्त रस कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ पित्त रस पित्ताशय में संचित रहता है, गॉल ब्लैडर में, और वहां से पित्तवाहिनी द्वारा वो आ जाता है ग्रहणी के अंदर और काइम के साथ मिक्स हो जाता है। यहां तक ठीक। इस पित्त रस में दो प्रमुख लवण पाए जाते हैं, एक का नाम है सोडियम ग्लाइकोलेट और दूसरे का नाम है सोडियम टार्कोलेट। ये दो पित्त लवण हैं जो इस पित्त रस में पाए जाते हैं। अब होगा क्या कि जो वसा है उसकी ये क्वालिटी है कि वो क्या करती है कि जब जल के साथ उपस्थित है तो वसा की छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण कर लेती है। हम एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, एक पानी का गिलास ले, उसमें तेल की कुछ बूंदें डालें, तो हम थोड़े समय में देखते हैं कि छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेती है। तो बड़ी बूंद का निर्माण हो गया, तो ऐसी स्थिति में वसा का प्रभावी पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लाइपेज इरेप्सिन एंजाइम है, अगर मान लो ये एक बड़ी बूंद है वसा की,
तो इस बड़ी बूंद के कारण जब यहां लाइपेज और इरेप्सिन आकर जुड़ेंगे, और अगर ये छोटी छोटी बूंदे रहती और इस पर अगर एंजाइम जुड़ते तो प्रभावी तरीके से वो एंजाइम काम कर सकते थे, लेकिन यहां बड़ी बूंदे बन गई इस कारण वो एंजाइम प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाए। तो अगर इन छोटी छोटी बूंदों के जुड़ने को रोक दे तो कौन रोकेगा? ये पित्त लवण इन वसा की बूंदों के चारों ओर जाके चिपक जाएंगे, जुड़ गए, जुड़े तो अब ये छोटी छोटी बूंदे आपस में जुड़ नहीं पाएगी क्योंकि बीच में कौन आ गया? पित्त लवण आ गए। तो अब ये छोटी बूंदे मिलकर बड़ी बूंद नहीं बना पाएगी। इसी क्रिया को इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कहा जाता है। और ये काम किसने किया? पित्त रस के इन पित्त लवणों ने किया। और ये पित्त रस केवल कहां आया है? ड्यूडिनम में, ग्रहणी में आया लीवर के द्वारा, आमाशय में तो ये पहुंचा नहीं। इसलिए आमाशय में एंजाइम होते हुए भी वसा का प्रभावी पाचन नहीं हुआ, और ग्रहणी में ये क्रिया होने से वसा का प्रभावी पाचन हो पाया। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। आगे के क्वेश्चन है वो कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।